यहाँ पर तहसीलदार आए थे। तहसीलदार ने कहा कि वो 7 दिन का समय चाहते हैं, लेकिन लोगों ने साफ मानने से इनकार कर दिया। और लोगों का कहना है कि जब तक कलेक्टर खुद यहाँ पर आकर उन्हें आश्वासन नहीं देते, तब तक वे लोग हटेंगे नहीं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी हैं उन लोगों तक पहुँच सके। और आप बने हुए हैं आपके अपने दोस्त विनोद के साथ kotadatimes.com में। नमस्कार। और ये जो उपखंड कार्यालय कोटड़ा का घेराव किया गया है, वो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क बिजली को लेकर किया गया है। और कई समय से आखिर आज़ादी के इतने साल बाद भी कोटड़ा के लोगों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिली है, इस बात को लेकर। और ये जो आयोजन है वो ख़ास तौर पर आदिवासी संघर्ष समिति और मेवाड़ युवा एकता संगठन के सहयोग से हो रहा है। और यहाँ पर करीबन कोटड़ा तहसील के अलग अलग गाँव से कुल 10 से 12 से 13 पंचायतों के 10 से 12 हज़ार लोग उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।